का मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गया है। एकदम परफेक्ट। अब आसमान से जैसे पोल पे बिजली गिरेगा, वो इस केबल से होकर सीधा लैब में मेरे रखे डिवाइस में स्टोर हो जाएगा। बस हो गया। अब उधर बिजली गिरेगा और इस डिवाइस में मैग्नेटिक पावर आ जाएगा। ओहो, जब भी मौसम सुहाना होता है तो ये टीवी खराब हो जाता है। टीवी नहीं सर, एंटीना। हाँ वही तो, जाओ छत पे जाकर ठीक करके आओ। 10 मिनट में न्यूज देखकर क्लास में जाना है हमको। ये लो, जो बोले वही कुंडी खोले। क्यों फालतू में बताया इनको कि एंटीना में प्रॉब्लम है। एक तो स्कूल के सारे काम अकेले मुझे करने पड़ते हैं, ऊपर से अब ये एंटीना भी घुमाओ। अरे घुमाने में तो ये दोनों भी बहुत माहिर हैं, क्यों ना इनको ये काम दिया जाए। बुधर बद्री सुनो, अगर तुम दोनों फ्री हो तो मेरा एक काम कर दो। पढ़ाई को छोड़कर कोई भी काम बोलो, हम एकदम कर देंगे। पढ़ाई का नहीं, एंटरटेनमेंट का काम है। छत पे लगा हुआ डिश एंटीना थोड़ा हिल गया है, अगर तुम उसको थोड़ा घुमा दोगे तो पिक्चर आ जाएगी। कौन सी पिक्चर पटेल अंकल? दिलवाले आ रही है क्या? वो तो दुबे सर ही बताएंगे, क्योंकि वही टीवी देख रहे हैं। दोस्त तब तो जल्दी से एंटीना ठीक करके आते हैं, ताकि दुबे सर दिलवाले बनके स्टाफ रूम में बैठे रहे। हाँ, वरना वो क्लास में आके हमको दिमाग वाले बनाना शुरू कर देंगे। अरे जल्दी चल, वरना बारिश शुरू हो जाएगी। अरे दोस्त उधर नहीं, इधर घुमा। नहीं नहीं, उधर नहीं, इधर घुमा। अरे मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, इधर घुमा। अरे मैं भी वही बोल रहा हूँ, इधर घुमा। अरे दोस्त बारिश शुरू हो गई, नीचे चल हम भीग जाएंगे। अरे टेंशन मत ले, ये छतरी है ना अपने पास। अब बिजली के चमकते ही अपना किस्मत भी चमक जाएगा जी। अरे दोस्त क्या कर रहा है, अभी तो बिजली ने गिराया और तू फिर से गिरा रहा है। अरे मैं कैसे गिराऊंगा, मैं तो खुद ही गिरा पड़ा हूँ। अरे दोस्त एंटीना पीठ पे नहीं दीवार पे लगाना है, वरना दुबे सर तुझे घुमाते रहेंगे। अरे ये कैसे आ गया? अरे दोस्त तूने आज नहाते समय साबुन की जगह गोंद लगाया था क्या, जो चिपक गया। अरे दोस्त ये एंटीना तेरे पे चिपक गया, लगता है तू भी आज साबुन से नहीं गोंद से नहाया। लेकिन ये हमें चिपक क्यों रहा है? अरे इस एंटीना को जल्दी से निकाल, वरना दुबे सर को टीवी में तेरी शक्ल दिखने लगेगी। दोस्त कुछ गड़बड़ है, ये एंटीना तो हमारे शरीर पर ऐसे चिपक गया जैसे हमारा शरीर कोई मैग्नेट है। दोस्त हट जा। अरे दोस्त तू सच कह रहा है, हमारे शरीर मैग्नेट बन गए हैं। हम एक दूसरे को चिपक जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। अभी तो बच गए, लेकिन इसके आगे
हमें एक दूसरे से अलग रहना पड़ेगा। ऐसा तो हम हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे। अरे हमेशा के लिए नहीं, जब तक ये मैग्नेटिक पावर है तब तक दूर रहना ही पड़ेगा। तब तो हमें लोहे की चीजों से भी दूर रहना पड़ेगा। अरे दूर ही नहीं, संभल के भी रहना पड़ेगा दोस्त। दोस्त, इस मैग्नेटिक पावर ने तो भगा भगा कर हमारी हालत खराब कर दी। और तो और, सब लोहे की चीजें हमें आकर चिपकती और चुभती है। हाँ, काश हमारी बॉडी पे लोहे की जगह चॉकलेट्स, रसगुल्ले, पेस्ट्रीज और बर्गर आकर चिपकते तो कितना मजा आता। अरे खाने का सपना देखकर मुझे बहुत तेज भूख लगी है। हाँ दोस्त, मुझे भी। लेकिन हम साथ में कैंटीन भी नहीं जा सकते। तो एक काम करते हैं, पहले तू जा, बाद में मैं आता हूँ। अरे देवा, ये हथौड़ा पीछे काहे को जा रहा है? बचाओ! बच गया, वरना आज ये कांटे मुझे नूडल समझकर खा जाते। बच गया, वरना आज ये हथौड़ा मेरी हड्डियाँ तोड़ देता। इससे पहले कि ये फिर से मेरे पीछे पड़ जाए, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। इस हथौड़े से आँख बचाकर भागना पड़ेगा। अरे दोस्त, इनसे बचे तो आपस में चिपके। हाँ दोस्त, पहले छुपा छिपी खेल रहे थे, अब चिपका चिपकी खेलेंगे। लेकिन अब हमें कौन छुड़ाएगा? अरे इन दोनों को क्या हो गया? लगता है बुदल बदली को योग कर ले। अरे ये योग नहीं, हमारी गलती का भोग है जो हम भुगत रहे हैं। हाँ, हमारे शरीर में मैग्नेटिक पावर आ गई है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। प्लीज तुम लोग हमारी मदद करो। ओह डोंट वरी बुदन बद्री, तुम लोग टेंशन मत लो, इन दोनों को पकड़ कर दोनों साइड से खींचते हैं। दो लगा के अरे तुम लोग ठीक से पकड़ो। काम करते हैं, मैं उस पोल को पकड़ता हूँ और सारे लोग मिलके बुद्ध को खींचो। अब खींचो। अयो रामा, मिल गया, मैग्नेटिक एनर्जी मिल गया, मेरा सपना पूरा हुआ। अरे ये लोग अलग हो गए। ये हमें खैर दिखाया। बुद्ध, तूने देखा? हाँ, अब हम आपस में नहीं चिपक रहे हैं। अरे सिर्फ ये ही नहीं, हम अब पोल से नहीं चिपक रहे। बच गए दोस्त, वरना हमें सारी जिंदगी एक दूसरे से चिपक कर रहना पड़ता।